हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है, इस होम थिएटर पे एक जबरमिक्स कंपनी का एक होम थिएटर है 10 इंची, इसमें बुफर लगी हुई है सिंपल सा स्पीकर वाली, जिसमें होम थिएटर वाली आवाज़ बहुत ही मस्त लाउडनेस आवाज़ वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये जो होम थिएटर हमारा ख़राब हो चुका है फ्रेंड, किसी कारण बस ख़राब हो चुका है इसका मंत्र बोर्ड, और हमने रिपेयर करने का बहुत ही कोशिश किया बट मैंने रिपेयर नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो इस होम थिएटर में या किसी भी होम थिएटर में। अगर सेम इस तरह का होम थिएटर है तो इस वाले बोर्ड को लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस होम थिएटर को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इस होम थिएटर में क्या प्रॉब्लम थी और किस कारण बस हम इस होम थिएटर की ये बोर्ड को मैं चेंज कर रहा हूं फ्रेंड। तो मैंने बहुत सारे रिपेयर करने का कोशिश किया, एक घंटा दो घंटा बज रही और आवाज़ में प्रॉब्लम आने लग रही है। फिर मैंने सारे चीज़ करने के बाद 100-200 रुपये खर्चा करने के बाद भी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पाया सामान लगाने के बाद भी। तो कुछ क्रिएटिव या यूनिक प्रॉब्लम हो जाने के बाद वो जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्व नहीं होता फ्रेंड। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो ये वाली बोर्ड को इजीली इंस्टॉल करके आप अपना होम थिएटर का जो लाइफ है अनलिमिटेड साल तक आप कर सकते हो। अगर ये वाली बोर्ड आप लगा लेते तो मेरा दावा है कि आप इस बोर्ड को जल्दी ख़राब नहीं कर पाओगे लाइफ टाइम में कभी भी। तो हो सकता है बाई चांस कभी ख़राब हो, लेकिन इसको लगा लीजिएगा तो आपका जो है लाइफ टाइम तक आपका ख़राब नहीं होने वाली ये वाली बोर्ड है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसको निकाल के आपको दिखाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे एलई होम थिएटर में कहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो बहुत सारा कोशिश के बाद मैंने ये वाली बोर्ड को ढूंढा और मैंने सोचा कि एलई बोर्ड लगा दूंगा तो हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से मैं निकालता हूँ। यहाँ पर जो है ए ट्रांसफार्मर लगी हुई 18018, तो ट्रांसफार्मर का क्वालिटी जो है आपका 12015 से ऊपर होना चाहिए, 18018 के आसपास, तभी जाके एलई बोर्ड की जो साउंड क्वालिटी 12012 में भी आप चला पाओगे फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। बट 30030 तक का जो बोर्ड मैं लगाऊंगा उसमें सप्लाई चाहिए, बट 18018 इस वाले जो बॉक्स में स्पीकर है उस हिसाब से ट्रांसफार्मर ठीक है, और बोर्ड भी जो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा वो भी ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो ट्रांसफार्मर लिखा हुआ 18018 जो एम्पियर है, जो स्पीकर के अनुसार एम्पियर दिया हुआ, तो कोई ज़्यादा लाउडनेस वाली नहीं है और बोर्ड के हिसाब से ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, हमारे पास ये वाले बोर्ड है पहले थी लगी हुई, और ये वाले बोर्ड में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सॉल्व हो चुकी थी फ्रेंड, पर एक दो घंटा बजने के बाद यहाँ पर जो छोटी वाले आईसी लगी हुई वो प्रॉब्लम करने लगी कुछ कारण बस। वो आईसी चेंज करने के बाद भी हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंड, ऐसा कोई बात नहीं है, बट इसी बोर्ड में एक नया बोर्ड इंस्टॉल करके आप चला पाओगे इस होम थिएटर को बहुत ही इजीली, और लाइफ टाइम तक आपका जो है ख़राब नहीं होगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस होम थिएटर का जो भी पार्ट्स लगाने आगे वीडियो में देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने ये वाली बोर्ड को इंस्टॉल किया कुछ इस तरीके से, और इसी बोर्ड को इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। ये बोर्ड जो है 200 वाट लगभग 100 वाट का आपको आउटपुट दे देगा, जो कि साउंड की क्वालिटी में बहुत ही बेहतरीन, और आपका साउंड का क्वालिटी कम नहीं बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है, आपका जो साउंड का कमी है वो दूर हो जाएगी फ्रेंड। बट जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर को चेंज नहीं करना फ्रेंड, अगर ट्रांसफार्मर ज़्यादा पावर को लगा दोगे तो आपका जो बोर्ड है आउटपुट ज़्यादा पावर दे देगी, तो आपका जो स्पीकर ख़राब हो सकती है। जो ट्रांसफार्मर आपको होम थिएटर में लगा सेम वही ट्रांसफार्मर रहने दीजिएगा, और ये वाले बोर्ड को इंस्टॉल कर दीजिएगा। बोर्ड जितना पावरफुल होगा उतना ज़्यादा आपका बोर्ड ख़राब नहीं होगा जल्दी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इस बोर्ड को कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, और इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ये बोर्ड बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बोर्ड देखने को मिला है, और ये सेलकॉन कंपनी का, अमेजन और किसी से भी मंगा सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा फ्रेंड, वहाँ जाकर मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये वाले पुराने वाले बोर्ड में कैपेसिटर लगी हुई, वो नया वाला बोर्ड में नहीं दिया होगा, तो ये फिल्टर कैपेसिटर आपको अलग से लगाना पड़ता है, लेकिन बट हमारा जो पहला सेक्शन है बोर्ड में हमारा कुछ पार्ट सही है, उस पार्ट को इस बोर्ड में यूज करेंगे फ्रेंड। तो कैपेसिटर का दो पॉइंट जो माइनस और प्लस शॉर्ट है
उसी वाली पॉइंट में ग्रीन वाले तार को जोड़ेंगे फ्रेंड, जो कि इस बोर्ड का ग्राउंड पॉइंट है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैंने ग्रीन वाले तार को जोड़ लिया, रेड वाले तार को आप कैपेसिटर में ध्यान देंगे माइनस, देखिए फ्रेंड ये वाले कैपेसिटर माइनस प्लस शॉर्ट है, और इधर के कैपेसिटर माइनस और प्लस एक तो अलग अलग है, जिधर माइनस है वो माइनस लगेगी और जिधर कोई निशान नहीं है उसमें प्लस लगेगी। तो चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पर लगाता हूँ माइनस वाली पॉइंट को, इधर माइनस वाले निशान है, इस वाली पॉइंट में कनेक्शन करते हैं फ्रेंड। मेरा दावा है कि बोर्ड लगने के बाद आपका जो होम थिएटर का साउंड है बहुत ही बेहतरीन, और आपका जो लाइफ टाइम तक ख़राब होने वाले नहीं है फ्रेंड। बाई चांस लोकल छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकती है, बट ऐसा इस बोर्ड के साथ कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं फ्रेंड। और इस बोर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं या कहीं से भी ऑर्डर कर सकते, आपका चॉइस। लेकिन मैंने सेलकॉन ब्रांड का मंगाया हूँ, तो सेलकॉन ब्रांड और कोई भी ब्रांड का भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट 5200 वाला ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड होना चाहिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे एक क्लिप दिया हुआ, इस क्लिप को यहाँ पर लगाते हैं। बैटरी वाला पावर का कनेक्शन हो चुका हमारा होम थिएटर बोर्ड का, और एक क्लिप से जो भी फंक्शन है हमारा होम थिएटर का वो सारा चीज़ ऑन हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से ऑडियो हैक करना है, जो कि ऑडियो मुझे नहीं मिल रही है, और इसी बोर्ड से सारा फंक्शन काम करेगा फ्रेंड। सिर्फ इसमें ऑडियो सेक्शन खराब हुई, सारा चीज़ खराब हो जाएगी तो सारा चीज़ भी लगाना पड़ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सारा चीज़ हमारा ख़राब नहीं है, सारा चीज़ आपको होम थिएटर बोर्ड में भी ख़राब नहीं होता फ्रेंड। कुछ कुछ चीज़ 7805 लगी हुई, कुछ कुछ सेक्शन है, और कुछ कुछ सेक्शन पावर जा रही है, कुछ कुछ सेक्शन का और बहुत सारा, तो वो सारा चीज़ को छिड़खाने नहीं करनी फ्रेंड। सिंपल सा स्पीकर का तार हमने जोड़ रहा हूँ, ये स्पीकर का तार आपको जोड़ लेना फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड हमारा जो स्पीकर का तार जोड़ लिया एक ठो, और इसको टेप मार देते हैं फ्रेंड ताकि कोई शॉर्टेज ना हो, बहुत ही पावरफुल ऑडियो इसमें निकलने वाली है, तो अच्छी तरीके से टेपिंग कर लेंगे फ्रेंड। अब चलिए फ्रेंड यहाँ पर 3 वायर निकली हुई इनपुट का, यहाँ पर 22 के का रेजिस्टेंट या 10 के का रेजिस्टेंट लगा देंगे ताकि आपका जो ऑडियो ज़्यादा ना जाए और आपका स्पीकर जल्दी ख़राब ना हो। जितना साउंड चाहिए उतना ही आपको लेना है, जितना स्पीकर का सहन सकती है फ्रेंड, उससे ज़्यादा नहीं लें। अगर ज़्यादा लाउडनेस आवाज़ आप लेना चाहते हैं लेंगे तो आपका जो स्पीकर का कोयल है ख़राब हो सकती है, तो एक की मीडियम साउंड वाली आवाज़ लें ताकि आपका जो साउंड क्लियरिटी और साउंड स्पीकर और सामान आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे 22 के का यूज किया हूँ, 22 के। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे इसको चेक करेंगे और कैसे लगाएंगे फ्रेंड। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लूटूथ में गाना सेट करूँगा या FM का चॉइस करेंगे फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको फिलहाल, देखिए फ्रेंड हाथ रख रहे तो आवाज़ तो आ रही है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे ब्लूटूथ की यहाँ से सेटिंग करते हैं और यहाँ से ऑडियो प्ले करते हैं कोई गाना या FM। तो मेरे पास कोई सुविधा नहीं है तो मैं FM को ही प्ले कर लेता हूँ और आपको फ्रेंड चेक करके दिखाते हैं। तो बहुत ही कमाल का और बहुत ही बेहतरीन वाले बोर्ड है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे FM मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे दिखाते हैं चेक करके। देखिए फ्रेंड 2 पॉइंट में हमारा नहीं हुआ, तीसरा पॉइंट में कोशिश करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड आ रही, तीसरा पॉइंट में आ रही है फ्रेंड, और देखिए फ्रेंड चौथा पॉइंट में आ चुकी है, चौथा पॉइंट में आ चुकी है फ्रेंड। तो ऐसे करके आपको चेक करनी है, 2 पॉइंट में आपको पॉइंट मिलेगी फ्रेंड, जिससे कि आप इजीली कनेक्ट करके आप अपना होम थिएटर को चालू कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए 2 पॉइंट में कनेक्ट कर लेते हैं और बाकी जो सारा फंक्शन है आपका जैसे का वैसे ही काम करेगी। तो चलिए यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, उसी पिन में जो सारी पिन आई हुई उसी पिन में कहीं ना कहीं से ऑडियो आउटपुट आपको मिल जाएगी फ्रेंड, और इस बोर्ड में इनपुट चल जाएगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट में कनेक्ट करेंगे लेफ्ट एंड राइट, और स्टूडियो का मज़ा आ जाएगा। अरे ग्राउंड वाला आपको ग्रीन वाले तार जहाँ पे कनेक्ट किए हैं फ्रेंड, ये वाली ग्रीन का तार और इसी का ग्राउंड पॉइंट में ग्राउंड वाले पॉइंट का कनेक्शन होगा फ्रेंड। और ग्राउंड कनेक्ट करना ज़रूरी है फ्रेंड, जिससे कि आपको होमिंग का जो साउंड आती है कम वॉल्यूम में वो ख़त्म हो जाएगी।
तो ऐसा कोई होमिंग नहीं है, थोड़ा सा है। अगर 3 तार वाले ट्रांसफार्मर जैसे 3 तार वाले वायर कनेक्ट करेंगे तो वो भी होमिंग ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत ही कम सा होमिंग है। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं, फ्रेंड व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए कुछ चार्ज लगेगी आप हमसे बात करने के लिए, काम बनती है तो आप हमसे कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई चार्ज हमारा नहीं है कि इतना चाहिए ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड चेक करते हैं। फ्रेंड सेकंड वाले स्पीकर का कनेक्शन यहाँ पर करते, जो 2 पॉइंट से मुझे आउटपुट बाहर मिल रही थी उसका कनेक्शन जो पहले का था उसको काट देंगे चाकू से, उसके बाद 2 पॉइंट में जोड़ लेंगे फ्रेंड, माइनस प्लस को देख के। फ्रेंड सिंपल सा मैंने यहाँ पे कनेक्शन करके दिखा, ये सेकंड वाले स्पीकर का कनेक्शन है फ्रेंड, तो सेकंड वाले उसी पॉइंट में मैंने कनेक्ट कर दिया जिस पॉइंट से यहाँ पे पहले बजती थी फ्रेंड। और ऐसे भी दूसरा वायर निकाल के भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, फिलहाल मैंने उसी में कनेक्ट कर लिया। और चलिए फ्रेंड अब आपको चेक करके दिखाते हैं। चेक करने से पहले मैं फ्रेंड सारे चीज़ को सेटअप अंदर में सेट करते हैं, और यहाँ पे स्क्रू की मदद से सेट कर सकते हैं बॉडी में कहीं पर भी होल करके फ्रेंड ईजिली। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर होल करके सेट करते हैं। बहुत ही दिमाग लगाने के बाद अंदर में उसको ड्राइवर की मदद से होल कर रहा हूँ, ड्रिल की मदद से भी आप होल कर सकते हैं फ्रेंड। और स्क्रूप लगा के इस बोर्ड को इजीली पूरी तरीके से टाइट से जाम कीजिएगा ताकि आपको बोर्ड में कभी लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है फ्रेंड। मैंने जाम कर लिया फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर नहीं है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड।